देखिए फ्रेंड्स, बेबी फ्रॉक के फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस पार्ट में हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए मैं दूसरा कलर ले रही हूँ और जहाँ पे हमने इसे क्लोज किया था वहीं से हम फिर घेरा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे और सेकंड कलर को ऐसे एक लूप ले लेंगे और फिर तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाया, फिर दो चेन हम और बना लेंगे, फिर एक बल लेंगे और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक ये डबल क्रोशिया काउंट होगा और एक ये। अब फिर दो चेन बनाएंगे, फिर हम एक और दो, दो चेन को छोड़कर तीसरे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम दो चेन लेंगे और फिर इसी जगह एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा वी बन गया। फिर हम दो चेन लेंगे और नीचे भी हम दो चेन को छोड़ देंगे, एक और दो, और तीसरे चेन में एक दो को छोड़ा, तीसरे चेन में हम एक वी बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया। फिर हम दो चेन लेंगे, नीचे भी हम दो चेन छोड़ेंगे और तीसरे में हम एक वी बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसी जगह एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बुनते हुए हम फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने वी बनाया, दो चेन बनाया और अब इसके साथ, इसके तीसरे चेन के साथ, हमने तीन चेन बनाया था फिर दो चेन बनाया था, तो तीसरे चेन में हम इसे ऐसे अटैच कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। अब हम फिर तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमने एक बल लिया है, हमें एक और बल लेना होगा और फिर यहाँ पे हम, अब देखिए क्रोशिये पे चार बल हो गए हैं, चार फंदे हो गए हैं, तो इन्हें हमें तीन बार में ख़त्म करना है। एक बार में दो ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट चांस में भी दो ख़त्म करेंगे, अब दो बचे हैं तो इसे तीसरी बार में ख़त्म करेंगे। फिर से देखिए, हम दो बल लेंगे और यहाँ पे से हमने धागा निकाला तो अब क्रोशिये पे चार धागे हो गए हैं, तो इसे हमें तीन बार में ख़त्म करना है। एक बार में दो ख़त्म किया, दूसरी बार में दो ख़त्म किया, फिर तीसरी बार में दो ख़त्म किया, तो इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। जब हम तीन बार में ख़त्म करते हैं तो इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। तो ये हमने तीन ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। फिर दो बल लेंगे, फिर यहीं पे हम चार, पांच और छः, और ये हो गया सात। तो हमने सात डबल क्रोशिया बना दिया। इसको भी हम, जो हमने चेन बनाया था तीन चेन, इसको भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया गिनेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम एक बल लेंगे और ये जो दूसरा वी है इसके ऊपर हमें वी बनाना है, यानी कि एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया। अब फिर दो बल लेंगे, अब नेक्स्ट वी में हमें सात ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब एक बल लेंगे, अब जो नेक्स्ट वी है इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक बनाया, फिर दो चेन लिया और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया। तो एक बार हमें
सात ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरे वी में एक और वी बनाना है, फिर सात ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो एक वी, फिर सात ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह हमें हर अल्टरनेट बनाते हुए कंप्लीट ये राउंड कंप्लीट करना है। एक बार सात ट्रिपल क्रोशिया, फिर वी, फिर सात ट्रिपल क्रोशिया, फिर वी, फिर सात ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह बुनते हुए हमें सेकेंड राउंड कंप्लीट करना है। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा एक वी एक्स्ट्रा हो रहा है। जैसे सेवन ट्रिपल क्रोशिया के बाद वी आना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रिपल सेवन क्रोशिया के बाद वी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे देखिए ट्रिपल वी के बाद फिर ये हमारा सेवन ट्रिपल क्रोशिया। तो अब हम इसको यहीं पे ये तीसरे इसको हम स्किप कर देंगे, नीचे वाले वी को स्किप कर देंगे, और यहाँ पे जो तीन हमारा चेन था वहाँ पे हम तीसरे चेन में इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। हम सेकेंड राउंड को फिर रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज के बाद। ये पहला राउंड हमारा बेस राउंड है, दूसरे राउंड को हम फिर से इस पर बनाएंगे थोड़े से चेंज के साथ। तो हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और देखिए अब यहाँ पे एक दो तीन चार, चौथे वाले पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर दो चेन लिया, और फिर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया। फिर हम दो बल लेंगे, और जो हमारा ये वी है, अब की हम सेवन ये ट्रिपल क्रोशिया जो है वो यहाँ बनाएंगे। तो दो बल लेंगे, यहाँ पे हमें ट्रिपल सेवन ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक तो हमने वी पे सात ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हम एक बल लेंगे, और देखिए इसको गिनेंगे, एक दो तीन चार, चौथे वाले पे हमें एक वी बनाना है, यानी एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन, फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, फिर दो बल लेंगे, और यहाँ पे देखिए जो वी है यहाँ पे हमें सात ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो हमने सात ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। अब हम फिर एक बल लेंगे, और यहाँ पे जो सात ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है इसे काउंट करेंगे, एक दो तीन और चार, चौथे वाले पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर उसके बाद दो चेन बनाएंगे, फिर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा सेकेंड राउंड ही रिपीट हो रहा है। बस हमने वी के ऊपर हमें सात ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, और सात ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें वी बनाना है। तो हम ट्रिपल तीसरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। पहला राउंड हमारा बेस राउंड है, और ये दो राउंड, दूसरा और तीसरा, इन्हीं दोनों राउंड को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है और अपने लंबाई को कंप्लीट करना है। तो हमने दो राउंड कंप्लीट कर लिया है, छः राउंड और हम बनाते हैं। तो छः राउंड बना के, यानी टोटल आठ राउंड हुआ। तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आठ लाइन कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बेस लाइन है, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ देखिए हम स्टार्टिंग पॉइंट के पास चले आए हैं। तो अब हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे तीसरे चेन में एक दो और तीन, तीसरे चेन में यहाँ पे हम इसे जोड़ देते हैं, और फिर हम इसको खींच के और काट देंगे। ये हमारा आठवां लाइन कंप्लीट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि ये कितना लंबा हुआ है।
इस समय इसकी लंबाई है लगभग 9.5 इंच। अब यहाँ पे हम अपना वापस ये ऊपर वाला कलर लगाएंगे। अब हम इस वी में अपना हुक इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेंगे और इसको हम ऐसे इधर की तरफ कर देंगे तो ये फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। देखिए खींचने से भी ये निकलेगा नहीं। अब एक दो चेन और बनाएंगे, इसके बाद फिर हम दो चेन बनाएंगे, यानी यहाँ पे हमने 5 चेन बना लिया। और फिर एक बल लेंगे और यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा वी बन के तैयार हो गया है। वी के ऊपर हमने वी बनाया है, फिर हम दो बार ऐसे बल लेंगे और यहाँ पे 7वें वाले पे हम फिर 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब हम इस वी के ऊपर वी बनाएंगे, यानी फिर दो चेन लेंगे और फिर इसी पर में एक और डबल क्रोशिया। देखिए हम अपने 8वें लाइन को ही वापस दोहरा रहे हैं, हमने बस कलर चेंज किया है और बाकी पैटर्न वही रहेगा। तो ये लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 9th रो कंप्लीट कर लिया। 9th रो 8th रो की तरह ही बना है, बस फर्क इतना है कि वी के ऊपर हमने वी बनाया है और ट्रिपल क्रोशिया में 4th के ऊपर हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। तो ये लाइन हमारा 9th रो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। अब फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर 2 चेन एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने 5 चेन लिया, एक बल लेंगे और फिर यहीं पे हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी 10th रो भी हमारा 9th रो या यूं कहिए 8th रो की तरह ही बनेगा। फिर हम 2 बल लेंगे और 1, 2, 3, 4 चौथे वाले में 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 10वां लाइन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे इस वी से ऐसे अटैच कर देंगे। अब हम फिर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक और वी बना लेंगे। हम एक लाइन और दोहराएंगे। अब ये हमारा 11वां लाइन है। तो 11वां लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 11वां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे। अब तो हमने 11वां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा 12वां लाइन है और फाइनल राउंड। तो अब एक बल लेंगे और यहाँ पे हम इन तीनों को एक ही बार में ख़त्म करेंगे, दो बार में ना ख़त्म करके एक ही बार में ख़त्म करेंगे। फिर हम 2 बल लेंगे और यहाँ पे हम 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे वाले में हम 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर हम एक बल लेंगे और यहाँ पे हम इसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक ही बार में हम इन तीनों को ख़त्म कर देंगे। फिर एक बल लेंगे और यहाँ पे एक बार और हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब फिर हम दो बल लेंगे और यहाँ पे चौथे वाले में हम 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन बार में ख़त्म करेंगे, दो बल लेंगे, तीन बार में ख़त्म करेंगे और इसी तरह करते हुए हम 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक बल लेंगे, वी में हुक डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे और फिर तीनों को हम एक साथ ख़त्म कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक बल लेंगे और फिर वी में हुक डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे और तीनों को एक साथ ख़त्म कर देंगे। फिर दो बल लेंगे और यहाँ चौथे वाले में हम 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 12वां लाइन रो कंप्लीट कर दिया। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और इसे काट लेंगे। और इसे सुई से अंदर की तरफ कर देंगे। तो हमने फ्रॉक कंप्लीट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बेबी फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। अब हमें बस इसमें थोड़ा सा काम करना रह गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बटन पट्टी बनाना होगा। तो यहाँ पे हम थ्रेड को अटैच कर लेंगे। देखिए ये हमारा थ्रेड निकला हुआ है, यहीं पे हम थ्रेड को अटैच कर लेंगे। और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। जितना हमारा आराम से हो जा रहा है, हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। न बहुत दूर दूर, न बहुत पास पास। तो हमने देखिए सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और पलट जाएंगे। अब हमने जितना चेन बनाया है, सब जगह वापस हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ हमने चेन बना लिया, तो अब नेक्स्ट वाले पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यदि आपको टीज बटन लगाना हो तो हम इसमें बटन होल नहीं बनाएंगे। यदि आपको टीज बटन लगाना हो तो हम बटन होल नहीं बनाएंगे, वरना हमें बटन होल बनाना होगा। तो बटन होल बनाने के लिए हम ऐसे दो चेन बनाएंगे और एक दो और तीसरा वाले इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमारा बटन होल बन गया। और फिर लास्ट वाले में हम एक और सिंगल क्रोशिया। और यदि हमें टीज बटन लगाना हो तो फिर हमें बटन होल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे बैक में पड़ेगा, बेबी के बैक में पड़ेगा। तो यहाँ टीच बटन लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि उसे गड़ेगा नहीं। यदि टीच बटन लगाना हो तो
हम प्रत्येक चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, प्रत्येक चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, कोई भी चेन छोड़ेंगे नहीं। अब फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और बैक हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने बना लिया, नेक्स्ट वाले पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। प्रत्येक में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक भी हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे बन गया है। अब हम एक टीज बटन नीचे लगाएंगे, अब इसको हम काट देंगे। अब इस लूप में से हम धागे को ऐसे निकाल लेंगे और इसे हम ऐसे सुई से इसको ऐसे बढ़िया से अटैच कर देंगे।